जो जंग छिड़ी हुई इसराइल और पैलेस्टीन के बीच में, अभी तक बताया जा रहा है इसराइल की तरफ से कि 1000 से ज्यादा आतंकी बताए जा रहे हैं इन्वॉल्व्ड इस अटैक में, और 1,00,000 से ज्यादा जो रिजर्विस्ट है यानी कि जो सोल्जर्स है, जो जवान है, उन्हें अब बुलाया गया है इस लड़ाई में हिस्सा लेने के लिए। अभी तक डेथ टोल के बारे में बात करें, गाजा में जो 400 के ऊपर का बताया जा रहा है, और यूएस रूट्स एयरक्राफ्ट कैरियर टू इसराइल बताया जा रहा है, मदद भेजी जा रही है। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि कभी जो बहुत टॉप डेवलपमेंट, ये जो हमने देखा था सैटरडे को जो एक सरप्राइज अटैक किया गया था छुट्टी वाले दिन, वो भी जिस तरह से, अगर गाजा के ऊपर हमने देखा कि वहां से 5000 से ज्यादा रॉकेट्स फायर किए गए थे इसराइल की तरफ, हमने देखा है रात भर गोलीबारी जारी रही, और यहां पर हमने देखा चाहे वो जितने इसराइली फोर्सेज और हजारों में जो हमास के जो आतंकी है, 22 ऐसी लोकेशन बताई जा रही है जगह पर जहां पर अभी भी लड़ाई जारी है। और हमने जिस तरह से देखा है, अगर जो आंकड़े अभी तक फिलहाल आ रहे हैं कि 600 से ज्यादा इसराइली और 300 से ज्यादा गाजा में बताए जा रहे उनकी हत्या कर दी गई है या उनकी जान चली गई, और ये एक्सटेंसिव जो लॉन्च अटैक किया गया है, जहां तक इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का, उन्होंने ये संकल्प लिया है कि हमास के जो आतंकी जहां भी छुपे बैठे होंगे उनको कड़ा जवाब दिया जाएगा। अब इसराइल की अगर मदद की बात की जाए तो यूएस सिक्योरिटी की तरफ से बताया जा रहा है कि सबसे एडवांस जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो भेजे जा सकते हैं, और इसी को लेकर हमने देखा था जैसे ही ये जंग छिड़ी थी उसी पर सबसे पहला बयान जो राष्ट्रपति है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के जो बाइडेन, उनकी तरफ से आया था ये बयान, ये कहते हुए कि अपनी सुरक्षा का पूरा हक है इसराइल को और वो इसराइल के साथ खड़े हुए अब नजर आएंगे। ऋषभ, इसके ऊपर भी बड़ा बयान सामने आते हुए नजर आ रहा है, व्हेन द यूनाइटेड स्टेट्स इज मूविंग इट्स मोस्ट एडवांस aircraft carrier. You see, U.S. Central Command is moving its one of the most advanced and naval aircraft carrier toward Israel. But we need to understand one thing. Israel has been very clear that we do not need any logistic or foot support. We just need a moral support. We know how to fight our war. Yesterday, when we spoke to the ambassador here in India as well, and when we asked that has Israel asked for logistic support from NATO countries or other partner countries, the ambassador was very clear that the Prime Minister's office believe that we are sufficient to fight our war. We do not want any other friends of ours to shed their blood for our cause. We know how to fight our war. But when we are seeing this naval aircraft being moved toward Israel, this is more of a show of support, show of strength from the United States. It's, you know, it is being put there just in case it is required. As of now, Israel has officially not asked anyone, any country, be it US, be it European countries, India, or whichever country has supported Israel, or leaders who have supported Israel, to send any logistic support. As of now, Israel maintain that we have enough army, enough ammunition to support our war. बने रही हमारे साथ ऋषभ, हमारे साथ अभी फिलहाल शिव्या भी जुड़ी हुई है। शिव्या, हम देख पा रहे हैं कि देश के कई, हमने दुनिया के कितने बड़े देश है वो अभी इसराइल के साथ खड़े हुए अभी फिलहाल नजर आ रहे हैं। जी, और उनमें से एक है यूनाइटेड स्टेट्स, जो कि अब सामने आया है, मॉरल सपोर्ट दे तो रहा है पर लॉजिस्टिक्स की बात करें तो उसके सपोर्ट के लिए भी आगे आए हैं। एंड लेट्स गो थ्रू द प्रेस रिलीज, वुडन इट सेज दैट द यूएस हैज बिगन मूविंग यूएस गेरोल्ड कैरियर स्ट्राइक ग्रुप टू द ईस्टर्न मेडिटेरियन। दिस इंक्लूड्स द यूएस नेवी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस गेरोल्ड एंड द अदर क्लास गाइडेड मिसाइल क्रूजर एज वेल द बर्क क्लास गाइडेड मिसाइल destroyers towards the Israel. We have also taken steps to augment US Air Force F-15, F-16, A-10 fighter aircraft squadrons in the region. The US maintains ready forces globally to further reinforce their posture if required. US stands firmly with our Israeli and regional partners to address the risk of any party seeking to expand the conflict. So the official statement coming in, wherein US is of course moving its carrier strike group to Eastern Mediterranean now.